Morning friends, welcome to PD Classes, a very important session for all those who are preparing for interviews of RMS. And today we have a candidate, Mr. Ajit. He has come to us from Alwar aur aaj apne brother ke saath baithe hain, Mr. Lohit. To sabse pehle to main aapko kehna chahunga bhai ki aap ne jab isko yahan choda aur ab aap isse mil rahe hain to thoda changes dekh rahe hain, feel kar rahe hain stage ke? Haan ji, very good. Aur hum bhi chahenge thoda sa intro lena bacche ka. So sabse pehle to Ajit, main chahunga yaar कि आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए. माय नेम इज अजीत मीना एंड माय नेम मीन्स विक्टोरियस एंड आई एम वेरी मच सिमिलर टू माय नेम एज आई एम ए कॉम्पिटिटिव पर्सन एंड लव चैलेंजेस. ओके. आई बिलोंग टू अलवर डिस्ट्रिक्ट. इट फेमस फॉर सरिस्का नेशनल पार्क एंड बानगढ़ फोर्ट. सरिस्का नेशनल पार्क इज फेमस फॉर ग्रीन पिजन एंड पिकॉक. वेरी. यहाँ मैं मिलाना चाहूँगा हमारे हिमाचल के बॉय से आपको. और हमारा जो नेक्स्ट कैंडिडेट, he has come from Patna. Okay, दोनों ही आपकी तरह RMS students हैं. Yes sir. Okay, aspirants हैं. और आपके ब्रदर ने जब आपको लेकर आए थे, at that time उन्होंने मुझे convey किया था कि सर, he is little bit confidence में थोड़ी सी कमी है. तो अब कैसा लगता है तुम्हें यहाँ पर? सर, वेरी गुड. वेरी गुड. अच्छा लगा आपको इन दिनों? Yes, सब खाना वगैरह सब क्वालिटी का था? Yes, sir. और आपको लगता है कि ये 7 दिन में आपके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं? Yes, sir. तो होल डे स्टडी वगैरह करते थे, टायर्ड अप तो फटअप तो नहीं होते थे? No, sir. 3-3 घंटे ऑनलाइन आ जाते थे, इतनी ताकत रखते थे? Yes, sir. Right? Yes, sir. चलिए अपनी हॉबीज बताइए. माई हॉबी आर प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग. आई लाइक मीटिंग पॉजिटिव एटीट्यूड एंड सक्सेसफुल पर्सनैलिटी. ऑल्सो लर्निंग न्यू थिंग फ्रॉम देम. ओके. और आपकी कोई हॉबी? आपका आपकी स्ट्रेंथ बताइए. माय स्ट्रेंथ आर दैट आई वांट दैट आई एम ए पंचुअल बॉय. वेरी गुड. सिंसियरिटी. ओके. डिसिप्लिन. वेरी गुड. एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट. वेरी गुड. अब मैं आप थोड़ा सा चांस दूंगा हमारे कैंडिडेट्स को भी आपसे पूछने का, ठीक है? बाय दैट टाइम आई विल आस्क यू सर्टेन टफ क्वेश्चंस आल्सो. तो पहले तो मैं गुरलाल को चांस दूंगा. गुरलाल फ्रॉम हिमाचल, यू कैन आस्क क्वेश्चंस. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ टर्की? सर, अंकारा. इंग्लैंड? लंदन. अमेरिका? वाशिंगटन डीसी. वेरी गुड. यस प्लीज. हु इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर राधा कृष्णन. वेरी गुड. एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे? ओस्लो. वेरी गुड. और मिस्र की कैपिटल? सर, कायरो. सोमालिया की? मोगादिशु. क्यूबा? हवाना. सर, हवाना. और इटली की? रोम. और नॉर्वे की? नॉर्वे सर, ओस्लो. वेरी गुड. और रूस की? मास्को. वेरी गुड. अंगोला की? लुआडो. वेरी गुड. और जिमुनी की? जिबूती. वेरी गुड. जिम्बाब्वे की? हरारे. साइप्रस की? निकोसिया. गुड. कमांड अच्छी है तुम्हारी राजधानी में. चलिए अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में भी बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है. वी आर 5 मेंबर इन आवर फैमिली. माई ग्रैंड मदर इज द हेड ऑफ द फैमिली. माई फादर इज ए फार्मर. माई मदर इज ए हाउस वाइफ. आई हैव 1 ब्रदर. ही इज इन 3rd स्टैंडर्ड. ही इज वेरी इंटेलिजेंट. ओके. और इंटेलिजेंट तो तुम हो यार, आरएमएस में आपने पेपर क्लियर किया है. yes, और सबसे बड़ी बात है सर, ये ही इज फ्रॉम जनरल, इनके फादर फार्मर बता रहे हैं, तो ऑब्वियस है सर कि एक जनरल कैटेगरी में होकर कम्पीट करना थोड़ा सा टफ भी होता है. लाइक आपके फादर आर्मी में है? यस. yes, और आपके फादर भी पहले आर्मी में थे? यस. नाउ ही इज इन CID, बट प्रीवियसली इनका भी एक्सपीरियंस रहा है. पर आपके जो बात है वो बिल्कुल यूनिक है. यस. यस सर. क्या लगता है सर, इसके इसकी तरफ आपने कैसे रुझान किया कि इसको डेवलप किया जाए थोड़ा सा? बस यही थोड़ा अलग दिख रहा था परिवार में, तो चलो वो कोई अच्छे में डालते हैं इसको. वेरी गुड. फिर एक कोचिंग देगी, वहाँ गए. okay. थे वैसे ही, लेकिन उसमें फिर वो बताया, उन्होंने बताया तो हमने चलो देखते हैं. ओके. तो अलवर से ये हमको देखता था क्या पहले यूट्यूब पर? नो सर. ओके. फर्स्ट टाइम आप आए यहाँ पर? क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे जितने भी आते हैं वो सब यूट्यूब पर सर्च करके आते हैं. सर, ये कह रहा था एक बार मैंने सिर्फ 20 सेकंड्स की वीडियो देखी थी. ओके. किसी बच्चे का मैं इंटरव्यू ले रहा था. यस सर. ओके. तो उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि इंटरव्यू में ऐसा होता है, ऐसे बैठते हैं, ऐसा करते हैं. यस सर. वेरी गुड. अब मैं चाहता हूँ कि आप हमें ये बताइए कि आपकी कोई वीकनेस बता दीजिए पहले. माय वीकनेस इज दैट आई वांट टू इंप्रूव माय हैंड राइटिंग. ओके.
अच्छा ये बताओ यार, आरएमएस में जा रहे हो, आरएमएस के बारे में कुछ मालूम है आपको? यस सर, ट्राई कीजिए। देयर आर 5 आरएमएस इन होल कंट्री, आरएमएस चेल, आरएमएस अजमेर, आरएमएस ढोलपुर, आरएमएस बेंगलुरु, आरएमएस बेलगाम। ओके, द आरएमएस चेल एस्टैब्लिश्ड इन 1922, द आरएमएस अजमेर एस्टैब्लिश्ड इन 1930, द आरएमएस ढोलपुर एस्टैब्लिश्ड इन 1962, द बेलगाम एस्टैब्लिश्ड इन 1945, the Bangalore established in 1946. Very good. RMS is a English medium school. Okay. The RMS exam for 9th and 6th. Okay. चलो मेरे को बताओ नेवी हमारी फाउंड कब हुई थी, फाउंडेशन डे क्या है? नेवी 1930 और आर्मी का सर, सॉरी सर, 1830 और आर्मी का सर 1895. वेरी गुड. और एयरफोर्स का सर 1932. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. चलिए मुझे ये बताइए कि आपको आरएमएस मिल जाए और सैनिक स्कूल मिल जाए, यस सर, चूज कौन सा करोगे? सर आरएमएस. कोई रीजन स्पेशल? यस सर, बताइए. थ्रू आउट माय एजुकेशन आई वांट टू, आई लाइक आरएमएस. ओके, द फीस स्ट्रक्चर इज लेस. ओके, एंड डिसिप्लिन एंड रीडिंग अच्छी होती है. बिल्कुल सही बात है. और आरएमएस के और क्या फायदे हैं एज कम्पेयर टू योर स्कूल्स? आरएमएस के और क्या फायदे हैं? आरएमएस इज वेरी बिग स्कूल. ओके, वेल एस्टेब्लिश्ड है, ओल्डेस्ट है. यस सर. ओके, और एंड ईयर का एग्जाम क्लियर करके सीधी नौकरी आर्मी ऑफिसर बन जाते हैं. ऑफिसर बनते हैं, वेरी गुड. तो जरूर आपने सोचा होगा कि मेरे को आर्मी ऑफिसर बनना है, इसीलिए आप आरएमएस में जा रहे हैं, अदरवाइज आपका स्कूल तो ऑलरेडी अच्छा होगा. यस सर, राइट. यस सर, आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में हमें कुछ बोल के दिखाइए. माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज राज. ओके, ही इज इन 5th स्टैंडर्ड. वेरी गुड, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज ए क्लास मॉनिटर. ओके, अब मुझे आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बताइए. इफ नेसेसरी आई लाइक न्यू इनोवेशन. ओके, मोटिकल एंड आई वांट टू बी एन आर्मी ऑफिसर. वेरी गुड, and the NDA exam clear for army officer. okay, aur aapka long term goal kya hai? as a officer dekhna apne aapko. yes sir, very good. ab mujhe aap ye bataiye ki aap rms mein jana chahte hain. yes sir, obvious hai. kis rms mein ja rahe hain? sir rms ajmer. to rms ajmer ke bare mein mujhe kuch bataiye. rms ajmer is second oldest military school. okay, RMS Ajmer established in 1930. Okay. RMS Ajmer principal is Anand Thapan. Very good. And RMS Ajmer is very big school. Right. बाकियों के principal पता है आपको? Yes sir. Chel का principal पता है? Yes sir. बताइए. SPS Chauhan. और Dholpur के? Dholpur के little. आप बताइए. Lieutenant Colonel Nilesh Singh. Okay. Yes sir. Very good. बहुत बढ़िया. अब मैं ये चाहूंगा आप मुझे ये बताइए कि आप आरएमएस में जा रहे हैं तो ऑब्वियस है आपने इनके बारे में थोड़ी स्टडी भी की होगी. यस सर, राइट. मोटो क्या है आरएमएस का? शीलम परम भूषणम. ओके, क्या मीनिंग क्या होता है? व्हिच मींस कैरेक्टर हाईएस्ट वर्च्यू. वेरी गुड सर, अब आपको कैसा लग रहा है इसका इम्प्रूवमेंट? अच्छा लग रहा है, राइट. एक ये जब आप दिया था बच्चा मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान है कि वाकई में इस पे बहुत एनर्जी लगी है, मगर इस बच्चे ने जो प्रोग्रेस करी है, अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों तो बिल्कुल लाइव क्लास में देखना. ये बच्चा तीन तीन घंटे, दो दो घंटे, एक एक घंटा क्या शानदार तरीके से आंसर्स देता है. नॉलेज में रियल में आप बहुत अच्छे थे, पर सिर्फ प्रॉब्लम एक ही थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी और बोलने का वे, थोड़ी इंग्लिश की पैटर्न, थोड़ा स्टाइल में. अब इस बच्चे के अंदर बहुत अच्छा वे आ गया. जब आप पहले दिन आए थे तब अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते थे, खुद बताइए. माय नेम इज अजीत विनायक, माय नेम इज विक्टोरिया एंड आई एम वेरी मच सिमिलर. बिल्कुल ऐसा लगता जैसे क्रैम किया हुआ है और इंग्लिश भी इतनी मतलब फ्राटेदार मैं कहता हूँ नहीं थी, पर अब इसने बहुत सेंसिबल वे में, अभी मैं इसको सिखा रहा था ब्रदर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ब्रदर. हाँ, एक एक वर्ड पे इस पे मेहनत हुई है. अब देखिए सर, हमारे पास टाइम काफी है, आज 20th है और 25th को इसका 25th को आपका इंटरव्यू है, राइट? यस सर. ये जो 5 दिन का गैप है, इस गैप का ध्यान रखना आपका काम है. अर्ली मॉर्निंग आप उठेंगे, सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस एक बार रिवाइज करेंगे. यस सर. सोते समय फिर एक बार रिवाइज करेंगे. यस सर. दिन में 3 बार इंटरव्यू देंगे. यस सर. 3 बार प्रैक्टिस करेंगे. सर, 2 इंटरव्यू के अंदर आप इनसे सिर्फ सुनेंगे, इनको बोल ले देना, इनको बीच में ब्रेक मत करना, इंट्रोडक्शन दिया पूरा सुनो. लास्ट के इंट्रोडक्शन में इनको काटना, जैसे ये बोलते माय नेम इज अजीत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अजीत, क्या मीनिंग होता है अजीत का, राइट सर? इस तरीके से आप इनको ब्रेक करना. आप इनको चाहे हिंदी में ब्रेक करो, इंग्लिश में मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि ये ब्रेकिंग को हैंडल कर पाता है कि नहीं कर पाता.
ठीक है, ठीक है सर। तो बिल्कुल अलवर नरेश, मैं चाहता हूँ हमारे राजस्थान का नाम आप जितना हो सके आगे बढ़ाओ, ठीक है। और हमारे राजस्थान से तो हमारा भी फर्ज बनता था कि आपके ऊपर कड़ी मेहनत करी जाए, और पटना नरेश और ये हमारे हिमाचल नरेश तो अपना नाम शानदार बना ही लेंगे, राइट। अब चाहिए कि हमारा बच्चा और अच्छा बने, ओके। जब तुम सबका सिलेक्शन होता है वही हमारा सिलेक्शन होता है, बिल्कुल तुम अपना नाम कमाओ और मेरी बेस्ट विशेस, ठीक है।